ग्रेड टू की क्रिकेट टीम बना रहे हैं। ग्रेड टू के मैचेस जो हैं वो 3 डे मैचेस होते हैं, 90-90 ओवर के मैचेस होते हैं। ये एक नर्सरी है जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को और वनडे क्रिकेट को सर्व करेगी। तो जो प्लेयर ग्रेड टू में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फिर मजीद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने का मौका मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है, ये अच्छा डिसीजन लिया है इन्होंने, सिटी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने, कि उन्होंने डिपार्टमेंट खोला है, एसोसिएशन खोली है, तो जिसकी वजह से लड़कों में एक एनर्जी वापस आई है, लड़कों में टैलेंट बढ़ा है। अब आप देखें आज कितनी 42-44 डिग्री गर्मी थी सेंटीग्रेड, उसमें भी लड़के सुबह 8 बजे से आए हुए थे ट्रायल देने, बड़ा उन्होंने तरतीब से अपना ट्रायल दिया है। पाकिस्तान टीम में कोई भी पक्का नहीं होता कि एक सीरीज के पास दो सीरीज के पास किसी को पता नहीं होता कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। जैसे रिजवान को बाहर कर दिया, सरफराज बाहर हुआ, फिर नए विकेट कीपर आए उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये आना जाना लगा रहता है। लास्ट टाइम 2010 में पाकिस्तान के लिए खेला, अभी मजीद कम बैक होगा या बस फर्स्ट क्लास से खेलेंगे? वॉइस ऑफ नेशन में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। क्रिकेट पाकिस्तान में जुनून की हद तक क्रिकेट से मोहब्बत की जाती है, कहा जाता है कि नौजवानों के खून में बसती है क्रिकेट। यही वजह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का बेइंतहा टैलेंट है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो या बैट्समैन। हर नौजवान का ख्वाब है कि वो बाबर आजम की तरह पाकिस्तान टीम से खेले, शहनशाह अफरीदी की तरह फास्ट बॉलर बने। पाकिस्तान में डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो रही है, ग्रेड टू यहाँ पर ट्रायल चल रही है। भाईजान, ग्रेड टू की आप टीम बना रहे हैं, कौन से प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे? जी, ओपन ट्रायल्स रखे थे हमने, ये इंटेंशन ये थी, नीयत ये थी कि प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म दें, वो आके अपने स्किल्स और अपना टैलेंट शो करें, और ओपन ट्रायल्स से कुछ प्लेयर अच्छे लगे। हर उम्र के, हर एज ग्रुप के प्लेयर्स आए थे जिन्होंने ट्रायल दिए, और उनमें से कुछ हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और मज़ीद फिर आगे देखेंगे कि इनको किस तरह लेके चलना है। कितने प्लेयर्स की ओपन ट्रायल के ज़रिए सिलेक्शन होगी? आज 100 से 150 के बीच में प्लेयर्स थे, जैसे आप देख रहे हैं सारा दिन ट्रायल्स चले हैं, तो उनमें से कुछ चंद प्लेयर्स जो हैं हमें लगा है कि इनमें है पोटेंशियल, तो उनको मजीद उन पर हम गौर व फिक्र करेंगे। ग्रेड टू की टीम बना रहे हैं आप? जी, ग्रेड टू की क्रिकेट टीम बना रहे हैं। ग्रेड टू के मैचेस जो हैं वो 3 डे मैचेस होते हैं, 90-90 ओवर के मैचेस होते हैं, और ये एक नर्सरी है जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को और वनडे क्रिकेट को सर्व करेगी। तो जो प्लेयर ग्रेड टू में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फिर मजीद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने का मौका मिलेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको पाकिस्तान की कॉल अप आए और पाकिस्तान टीम बेहतर से बेहतर हो, तो उनको बेहतर टैलेंट मिले। क्रिकेट को पाकिस्तान में जुनून की हद तक लोग खेलते हैं, सपोर्ट करते हैं, लोगों के खून में बसती है। हर नौजवान का ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान का स्टार अपने सीने पर सजाए। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, लड़कों में टैलेंट बढ़ा है। अब आप देखें आज कितनी 42-44 डिग्री गर्मी थी सेंटीग्रेड, उसमें भी लड़के सुबह 8 बजे से आए हुए थे ट्रायल देने, बड़ा उन्होंने तरतीब से अपना ट्रायल दिया है, सारे डिसिप्लिन में थे। सिर्फ उनका मकसद यही था कि हम अपना टैलेंट दिखाएं, शोकेस करें अपना टैलेंट और सेलेक्ट होने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करें। पाकिस्तान में ज़्यादा जो टैलेंट है वो फास्ट बॉलिंग का होता है, कहा जाता है कि पाकिस्तान की हर कुर्सी पर बैठा हुआ एक फ़ास्ट बॉलर है, तो ज़्यादा टैलेंट कौन सा नज़र आया? बिल्कुल ऐसे ही है, फ़ास्ट बॉलर आज बहुत सारे आए हुए थे, और उनकी वजह से ट्रायल थोड़ा लंबा भी खिंचा क्योंकि उनको रीलोड करने में बॉल टाइम लगता है। तो स्पिनर्स भी आए हुए थे, कुछ बैट्समैन भी हमें अच्छे लगे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हमें मिले हैं, जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स ही हैं। हमारे साथ जैनुल आबिदीन मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम के ट्रेनर भी हैं आप, बाबर आजम के पर्सनल ट्रेनर भी हैं। कितने बाबर आजम आपको यहाँ पर नज़र आए? देखिए, आज हमने जो ट्रायल्स कराए हैं इसमें हमें थोड़ा सा ना बैकवर्ड नज़र आया, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद ये ग्रेड टू इनिंग दोबारा क्रिकेट में शुरू जा रही है, तो लड़कों में जो टेम्परामेंट था, जो एक क्रिकेट की जो खूबसूरती थी टेस्ट क्रिकेट की, वो लड़कों में नज़र नहीं आई हमें। ऑलमोस्ट फास्ट बॉलर्स आपने जो बात की है वो हमें नज़र आए हैं, लेकिन बैट्सों में टेम्परामेंट नज़र नहीं आया। उसकी वजह यही थी कि 4 साल से क्रिकेट बंद थी, अब दोबारा ग्रेड टू खुल रही है, लड़कों में दोबारा टेम्परामेंट और उसके जो एक क्रिकेट का जो खूबसूरती है 2 डे क्रिकेट की, 3 डे क्रिकेट की, वो दोबारा बहाल होगी, तो फिर पाकिस्तान के लिए टैलेंट निकलेगा नहीं। अच्छा, हम देखते हैं कि यहाँ पर फेयर ट्रायल चल रहे थे, आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर आपका अपना क्लब है तो आप अपने ही लड़कों को मौके दे रहे हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करके अपनी एक टीम बना लेंगे, ओपन ट्रायल किए जा रहे हैं यहाँ पर? हमने ओपन ट्रायल रखी इसलिए थे कि हमने पूरे पाकिस्तान से लाहौर के जितने भी लड़के हैं उनको ओपन चांस देना था, ठीक है ना। हमारे अपने, हमने क्लब में हमारे लड़के हैं, लेकिन हमने क्लब के सिर्फ ओनली 7 से 8 लड़के जो डिज़र्व करते थे उनको ट्रायल दिए हैं उन्होंने, उनमें से भी हमने भी पिक आउट करने हैं कि कौन से इनमें से प्रैक्टिस मैचेज होंगे, कैंप लगेगा, फिर देखेंगे कौन में डिज़र्व करता है, कौन नहीं डिज़र्व करता। ज़ुल्करनैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मायानाज टेस्ट क्रिकेटर हैं, कुछ अर्सा क्रिकेट से आउट रहे। ज़ुल्करनैन भाई, कैसी तबीयत है, आप कैसी फिटनेस है, ट्रेनिंग शुरू कर दी माशाल्लाह आपने? जी अभी 2 महीने हो गए हैं, अभी मैंने शुरू कर दिया है पीसीबी की इजाज़त के साथ, पीसीबी का शुक्रिया, उन्होंने इजाज़त दी मुझे, और अभी दोबारा जो है मुझे कॉल आई थी पीसीबी से कि आप ट्रेनिंग कर सकते हैं नेशनल अकेडमी में, तो वो अभी मैंने दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दी। ठीक
अब माशाल्लाह फिट हैं आप जी? शुक्र है अल्लाह का, अभी 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ रोज़, तो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, पुशअप्स भी कर रहा हूँ, और आज ट्रायल देने आया था, और इंशाल्लाह ये 40 लड़के मैंने सेलेक्ट भी किए हैं, और इंशाल्लाह खेलूँगा भी इनकी तरफ से, और इंशाल्लाह पूरी 100% देंगे इंशाल्लाह। जुल्कर नैन भाई, माशाल्लाह आप विकेट कीपर्स के ट्रायल ले रहे थे, बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर नज़र आए, चांस है कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में विकेट कीपर्स का टैलेंट प्रमोट हो? देखें, ये एक स्पेशलिस्ट जॉब होती है विकेट कीपिंग, तो इसमें टैलेंट कम आता है, आगे जो भी आता है अपनी एफर्ट से आता है, अपनी लगन से आता है, कुछ कोई किसी को देख के आता है, कोई किसी को देख के आता है, कोई मुझे देख के इम्प्रेस है, कोई किसी सरफराज को देख के इम्प्रेस है, कोई रिजवान को देख के इम्प्रेस है, तो ये जो स्पेशलिस्ट जो विकेट कीपर हैं, ये खुद ब खुद ही तैयार हो जाते हैं अपनी मेहनत से, जैसे हम खुद तैयार हुए, हमारा कोई कोच नहीं था, हम खुद आए, तो ये टैलेंट तो नज़र आया है, लेकिन उस लेवल का नज़र नहीं आया अभी तक, क्योंकि ये ग्रेड टू के ट्रायल हैं, तो ग्रेड टू अभी छोटे बच्चे आए हैं, अंडर 19 के लड़के जो कीपिंग के लिए ट्रायल देने आए थे, तो लेकिन उनको अभी कम्पीट करने के लिए दो तीन साल अभी वो खेलेंगे अंडर 19, फिर ग्रेड टू में आएंगे, और इसी तरह जो है जैसे वो आपको दूसरों ने शान ने जैन ने बताया कि 4 साल से क्रिकेट बंद थे, दरवाजे इधर सारे बंद थे, लड़के आना उनके लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हुई थी, क्योंकि पीसीबी के अंडर थी, सारी स्ट्रक्चर चेंज था, तो अब अल्लाह का शुक्र है ये अच्छा डिसीजन लिया है इन्होंने, सिटी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, कि उन्होंने डिपार्टमेंट खोले, एसोसिएशन खोली है, तो जिसकी वजह से लड़कों में एक एनर्जी वापस आई है, और उसकी वजह से जो है ये अब देखें बैरूनी मुल्क से जो है वो इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, ये भी जो ट्रायल हुआ बैरूनी मुल्क इन्वेस्टर है, तो इनकी अपनी कंपनी है, तो ये अच्छी चीज़ है, लड़के जो है वो अब इंटरेस्ट लेंगे क्रिकेट में, और फिर इसी इंटरेस्ट जब पैसा जनरेट होगा। डिपार्टमेंट क्रिकेट से नौजवानों को कितना फ़ायदा होगा जिनको मौका नहीं मिल पा रहा था, जिनके पास पैसा नहीं था? देखिए, हम जितने बड़े बड़े पूरी दुनिया जिन्होंने हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम बने हैं, जावेद मियांदाद, इमरान खान, खुद भी इमरान खान, और जितने जिन्होंने ये डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया, वो भी खुद भी डिपार्टमेंट की पैदावार थे। मैं 15-20 साल क्रिकेट डिपार्टमेंट से खेला हूँ, और हमारे 17 ग्रेड 18 ग्रेड्स के हमारे पास नौकरियाँ होती थी, तो ये न्यू स्ट्रक्चर की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया, तो फिर अभी ये दोबारा खुले हैं, तो अब हमें फिर ऑफरें आना शुरू हो गई हैं कि आप हमारे डिपार्टमेंट में आ जाएं, यार हमारे 2-3 डिपार्टमेंट से मेरी बात भी चल रही है, लेकिन ये है कि मैं ग्रेड टू खेलूँगा इधर से, फिर फर्स्ट क्लास जो है वो मैं डोमेस्टिक जो है वो अपने एसोसिएशन से खेलने की ट्राई करूँगा, तो ये एक अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म दोबारा खुला है, तो लड़कों को फ़ायदा भी होगा, मॉरली भी, इनर्जेटिक भी होंगे, और फाइनेंशियली भी। उसमें हम क्रिकेटरों का नहीं है, आपकी हमारी शोबीज़ की कम्युनिटी एक कम्युनिटी है सारी, ठीक है, एक अगर डिपार्टमेंट भी बंद होता है तो उसकी वजह से सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे आपको नौकरी मिली हुई है, स्पोर्ट्स एंकर हैं आप स्पोर्ट्स खुली है, क्रिकेट बहाल हुई है, तो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपकी जॉब बरकरार रहेगी, अगर हमारी क्रिकेट ही बंद हो जाएगी तो आपकी जॉब भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको इंटरव्यू नहीं मिलेंगे, तो ये सारी एक कनेक्टिंग एडवेंचर होता है, जॉइंट एडवेंचर होता है, कि अगर आपकी ये मुट्ठी है, अगर एक उंगली भी अगर आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हुई तो आपकी पूरी जो है वो कम्बिनेशन ख़राब हो जाता है सारा, तो ये अच्छा एग्जाम है। आपने लास्ट टाइम 2010 में पाकिस्तान के लिए खेला, अभी मज़ीद कम बैक होगा या आप बस फर्स्ट क्लास से खेलेंगे? जी, फर्स्ट क्लास तो मैं खेलूँगा, और ग्रेड टू भी खेलूँगा जो मुझे क्रिकेट मिलेगी, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, और अभी मेरी 35 ईयर्स एज हुई है, 5 ईयर्स मोर मेरे पास हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं 1-2 साल सिर्फ और क्रिकेट खेलूँगा, और इंशाल्लाह जहाँ भी मुझे क्रिकेट मिलेगी मैं अपनी मेहनत उसी तरह कर रहा हूँ जैसे पहले करता था, और जब भी मौका मिला, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान टीम में कोई भी पक्का नहीं होता कि एक सीरीज़ के पास दो सीरीज़ के पास किसी को पता नहीं होता कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, जैसे रिजवान को बाहर कर दिया, सरफराज बाहर हुआ, फिर नए विकेट कीपर आए, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये आना जाना लगा रहता है, तो इसमें आपको मेहनत डिसार्ड नहीं होना चाहिए किसी भी फील्ड में। अब बच्चे हैं, मैं उनको भी ये चीज़ समझाता हूँ, जो प्रोफेशनल हैं उनको भी मैं यही मैसेज देता हूँ कि भाई आपने डिसअपॉइंटमेंट शो नहीं करनी किसी भी डिपार्टमेंट में, आप ठीक है, आपका अदारा बंद हो गया, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं शो करनी है, आपने ट्राई करनी है, आपने मेहनत करनी है ताकि आपको दूसरा डिपार्टमेंट पकड़े, तो ये चीज़ें प्रोफेशनलिज्म में आती हैं कि आप दिल डिसअपॉइंट ना हो, मेहनत करते रहें, और अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करता है और डबल मेहनत करें,
कि जब आपको मौका मिले आप उसमें और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, ताकि जिसने ज्यादती की है वो भी कहे यार नहीं हम जैसे ज्यादती हुई होगी। नैन भाई माशाल्लाह आपके स्टार्स हर जगह मौजूद हैं, आपको मिलने आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, कैसा लगता है जी? ये डिसेबल हमारा भाई है और माशाल्लाह ये जिधर भी मैं जाता हूँ और जिधर भी हम क्रिकेट होती है ये उधर नज़र आता है आपको, तो ऐसे बच्चों को हमें डिग्रेड नहीं करना चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए और इनको प्यार, ये प्यार के काबिल हैं, इनकी प्यार की वजह से जो है हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। ऐनक मिल गई भाई, मुझे पाकिस्तानी टीम ना बहुत प्यार है, ज़्यादा बॉलर ज़्यादा पैसे में बाबर आजम है जुड़ा था, सब टीम में इतने से बाबर आजम ने थोड़ा सेंचुरी मानी सब ने दौड़ दौड़े अटोली रहा देवी दौ धोनी रहा सब ने दौड़े अलहमदिल्ला माशाल्लाह। मैंने बाबर आजम ने मिलना चाहना, बहुत बड़ा मैं बाबर आजम फैन हूँ, बाबर आजम जी तब दाई फिर बहुत फैन हूँ, जैसे बाबर आजम शॉट मारता मेरा दिल तहत है ओ छता जी ओ छोटा जी ओ छोटा जा। वैसे बाबर आजम ने ये पावर बहुत है, बाबर आजम ये युसमी तैदनी है इधर से जे हो ये मुझे तब बताऊँ इधर आओ उसने नीचे टीम में जैसे मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आसिफ है, सफत जमान है, आसिफ अली है, बयाल आसिफ है, सब टीम मेरे साथ, हसन अली शिताब था, मोहम्मद नवाज, जैसे बाबर आजम तीन टमन जाते मेरा वो भी है सोन जुल बड़े के पास है। ये शर्ट कहाँ से ली है? ये शर्ट मेरे दोस्त ने ये नूर सुबोस ने तोहफा दिया, ये बाबर आजम ने तोहफा दिया। हमारे साथ मुदस्सिर मौजूद था, उधार रहने के लिए है जुलकर नैन भाई से, कि मैंने इंटरव्यू देना है और ये किसका स्टाइल है करके चले ऐनक तो वापस दे दो, चले इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू होने के बाद ऐनक मिल गया जी आपको वापस। जी जी ये फैंस होते हैं, ये यही प्लेयर्स बनाते हैं पूरी दुनिया में, जो फैन फॉलोइंग जिनकी प्लेयर्स की होती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी फैन फॉलोइंग, हर प्लेयर की फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो इन फैंस की वजह से ही हम लोगों को दुआएँ भी मिलती हैं, प्यार भी मिलता है। अब हो सकता है ये जो मेरे पे इतना बुरा टाइम आया ये दुआएँ इन लोगों की थी जिसकी वजह से मैं बच गया, वरना तो कहाँ से। जी हमारी भी बेस्ट विशेज़ हैं, आप हमारे हीरो हैं, हमारे टेस्ट प्लेयर हैं, पाकिस्तान से खेले हैं, पाकिस्तान के लिए मैच विनर थे, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, आप दोबारा क्रिकेट में आएँ और परफॉर्म करें।